हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है अनिरुद्ध आचार्य जी, जिनको आप सभी पोक्की बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनकी बहुत ही फनी फनी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत देख के मज़ा आता है। सो आज की हमारी रिएक्शन उनकी वही फ़नी वीडियोज़ पर है, और जो उनके सेवेज रिप्लाई हैं और वो उसी सब पे। सो लेट्स डू रिएक्शन ऑन दैट, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन वीडियो, फर्स्ट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते थे तुम भी पियो? मेरे बोलते मैं मना कर देता एक दो बार, और एक दो बार मना कर दो, बाकी तीन बार बोला तो नहीं पीता हूँ, तुम भी पियो। चौथी बार बोला तो नहीं पीता हूँ, और दसवीं बार बोला तो नहीं पीऊँ, नहीं पियो। क्यों नहीं पी? गुरु जी बोल रहे हैं एक बार पीकर तो नहीं, क्यों नहीं पी रहा? क्या हो गया तुम्हें? बेचारे गुरु जी की स्क्रिप्ट खराब हो रही थी यहाँ पे, भाई फोर्स कर रहे थे उसको। क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियो? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के स्टूडियो में कुछ खास है, मतलब यू नो व्हाट, एक गुरु जी कोई आपसे प्यार क्यों करे, जो की पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए मीम बन गए, मतलब उनके अनोखी ज्ञान की वजह से, उनकी बिना लॉजिक वाली बातों की वजह से, जिससे भाई क्या क्या मीम्स बनते हैं यार इनके ऊपर। आपकी शादी हो गई? हो गए। पति कितने हैं? बताओ, 70 में क्या जोड़ा की 70 हो जाए? एक ही होते ये पत्नियां तो हैं इतनी सारी हूं। 70 में क्या जोड़ा की 17 हो जाए? फास्ट माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा। 70 में क्या जोड़ने की 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो हो जाए। क्या बोला? मतलब लॉजिक गए तेल लेने। भाई लिटरली लोग तालियां बजा रहे हैं भाई, लॉजिक गया तेल लेने। इनका तो क्या है कि भाई माइक पे आके कुछ भी बोल दो, पर शर्म तो हमें आनी है ना वो कमेंट्स और ट्रोलिंग देख के। भगवान खुद शर्मिंदा हो गए ये देख के। तो इस लड़के ने बोला इनको सीरियसली ले लिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मतलब मेरे चरणों में आपको बच्चा भी लाइक बाबा होगा अपने घर का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। और कुछ नहीं, बस बच्चा है, स्क्रिप्ट भूल गया था गुरु जी, या तो उल्टी पढ़ ली, शायद रट्टा मारा था तो भूल गया। हाँ बेटा, जरा तो शर्म कर दो। भगवान आपको सदबुद्धि दे। भाई तुम यहाँ पे क्या करने आया? क्या मजबूरी थी बहन तेरी? आई थिंक इस लड़की को ढेर मिला होगा गुरुजी को प्रपोज करने का। मुझे भी मिला हुआ है ऐसा ढेर, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उस बात को, मतलब गुरुजी को नहीं, बट ऐसे ही प्रपोज करने का। सभी किस लाइन में आ गए हम? और गुरुजी ने बोला भगवान आपको सद्बुद्धि दे। वैसे इस लड़की ने प्राइवेट में आके बोला होता तो गुरुजी शायद मान भी जाते। क्यों नहीं? और ये लड़की भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार? बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना हमारे में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। फेसबुक पे पहले आपने क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। भाई देखो जो भी बोलो, बट गुरुजी एक सिग्मा मेल तो है, वो तो देख लिया मैंने। हाँ वो बात अलग है कि कभी कभी क्यूट बनने के चक्कर में पोकी बन जाते हैं। सारे जमीन पर भाई लिटरली गुरुजी ने मुंह पे रिजेक्ट मारा इसको। बिचारी सतज के आई थी कथा में गुरुजी को पटाने के लिए, मुंह पे रिजेक्ट हो गई बिचारी। आई थिंक इसके बाद फिर से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन नहीं लगता कुछ काम धंधा करने में, मेरा एकदम मन नहीं लगेगा, लगेगा दिन भर देखूं। भाई ऐसा क्या देख रहे हो? अच्छा है गुरु जी से अच्छा है। भाई देखो कुछ गलत मत समझना, वो एक्चुअली गुरु जी को देखने की बात कर रही थी, गुरु जी का नहीं। सोच रहे थे बे? और कुछ नहीं, बस वो गुरुजी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी, बस पूरे दिन देखने का मन करता है आंटी जी को, मतलब गुरुजी को देखने का। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहा और को में फर्क होता है भाई, कोई जाके समझाओ इनको, इन्होंने तो 19-20 का फर्क समझ के बोल दिया। 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क? पूरा सेंटेंस डार्क कर दिया एक वर्ड ने तो। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे। लेकिन यहाँ में पिघल से बात करती है लड़के पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की जी 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल,
कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कैसी मम्मी है यार, अपनी लड़की की सामुदायिक बेइज्जती करवानी, वो भी माइक पकड़वा के। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। घर की बात घर में रखो ना, गुरुजी को बता के क्या ही हो जाना था। वैसे भी शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा, मन नहीं है शादी करने का। नहीं, कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? आइटम्स आते हैं यार गुरुजी की कथा में। अपन नहीं मरी गुरु, लिटरली सही। आप पसंद हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अब नहीं करूंगा, नहीं अब तेरी शादी होगी नहीं भाई। गुरु जी कहेंगे कि कथा खत्म होने के बाद मिलते हैं हवेली में। बात नहीं, अभी मिलेंगे तो। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो? वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। हमेशा सीधा बोले, सच बोले और मुंह पर बोले। बहुत गहरी बात बोल दी भाई तूने, और पूछने वाला भी क्या ही कैरेक्टर है। गुरु जी मिले, ये तो आउट ऑफ सिलेबस का आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है? विस की किट। विस मतलब जहर की किट। तो इनका लॉजिक ये है कि जिन भी चीजों के नाम में विष आता है ना, वो सब जहर है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ऐसे तो फिर हमें विष भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली तो हम जहर ही मांग रहे हैं ना। क्या बात है? और फिर बिस्लरी का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके नाम में जो विष है वही तो सबकी जान ले रहा है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आपको के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इतना भी सच क्यों बोल रहे हो गुरुजी? दुख का खत्म नहीं होता बे। और इनकी बातों में लॉजिक नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। आपका नाम बताओ, कितने अक्षर है आपके नाम में? 3। So that's it for today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. और भाई साहब क्या funny बाबा जी हैं, like गुरु जी बोलो, क्या बंदे हैं। आई नो थोड़े से लॉजिक इनकी बातों में नहीं होता है, अजीब है थोड़े से, like ठीक है भाई, लेकिन इनकी वीडियोस मज़े की हैं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे इनकी सारी डिटेल्स नहीं पता कि ये बाबा कैसे बने, क्या हैं, और मतलब इनका मुझे कुछ नहीं पता। इनकी कुछ अच्छी बातें भी पता, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को ये रोज़ की डेली बेसिस पे शायद कोई भंडारा शंडारा करवाते हैं, तो अच्छी बात है। मैंने इनके बारे में बहुत पॉजिटिव साइड के भी व्यूज़ सुने हैं और नेगेटिव साइड के भी सुने हैं, तो लाइक मैं जज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डिटेल्स तो इनकी पता है नहीं, कौन है क्या, मतलब ऐसे क्या क्या काम है, ये बाबा कैसे बने, लाइक सच में सच सच्ची वाले बाबा हैं या ढोंगी बाबा है, मेरा बिल्कुल वो मतलब। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको जज करने वाली कोई नहीं होती, मुझे उनके बारे में डिटेल ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि वो जो भी बातें करते हैं वो सच हैं झूठ हैं। आप लोग उनके फॉलोअर्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। अब अगर आप मुझे उनके बारे में बताना चाहें तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फजूल है, ये है, ये नहीं अच्छी है। मुझे इनकी वीडियोज़ पसंद आई हैं, लाइक हंसाने का हुनर भी ना किसी किसी के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर अवर टुडेज़ रिएक्शन वीडियो। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।